अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम साई मुमरा साई हॉस्पिटल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बेड है जो आईसीयू है, आईसीयू के लिए है। जिस तरीके से हमारे मुमरा में आईसीयू न होने की वजह से काफ़ी मौतें हो रही थी। हॉस्पिटल ये पहला हॉस्पिटल है जो जितेंद्र अवार्ड और राजन किन्ने की भाग दौड़ की वजह से आईसीयू हॉस्पिटल शुरू कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात तो ये है कि जिस तरीके से गर्भवती महिलाएं और मासूम बच्चे और बूढ़े लोग यहाँ वहाँ भागते थे कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए, अब यहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट भी किया जाएगा और वो भी कम रेंज में। और ये जो आईसीयू आपको दिखा रहे हैं 6 बेड यहाँ पे आईसीयू के हैं, ये नहीं कि यहाँ के चार्जेस ज़्यादा होगा, जो भी नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं गरीबों के लिए उतना ही चार्जेस लिया जाएगा। नगर सेवक राजन किन्ने ने क्या कहा और साई हॉस्पिटल के डॉक्टर ठाकरे ने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। क्या है कि आज की तारीख में अगर मुमरा कौसा में अगर देखने जाएंगे तो जो कोविड है, कोविड से अलग जो बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये जो दूसरी बीमारी है उसकी वजह से ज़्यादा पेशेंट हमारे मौत के इसमें जा रहे, आगोश में जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो आइसोलेशन सेंटर मुमरा में मांगता था, आईसीयू मांगते थे, वो बहुत कम है और उसकी वजह से पेशेंट को दीवा लेके जाओ, नेरुल लेके जाओ, थाना लेके जाओ, कहीं भी अगर खाली है तो उधर आदमी भाग के कहीं ना कहीं लेके जाता है। तो ये सब जो भागदौड़ थी वो मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब साखरे साहब ने ये साई मुमरा हॉस्पिटल शुरू करने के लिए उन्होंने और कमिश्नर साहब जितेंद्र रावण इन्होंने जो ये किया है, सहकार्य किया है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुमरा के जो लोग यहाँ वहाँ भागते हैं ये आइसोलेशन के लिए, तो यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मैं समझता हूँ कि आईसीयू के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी और मुमरा के जो ऐसे पेशेंट हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। मैं सभी जो हमारे डॉक्टर शाह है, माई दौने हैं, उन लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम में हमारा हाथ बटाया, और डॉक्टर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुमरा के तमाम जो लोग हैं, अगर कहीं अगर उनको हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही है तो उन्होंने इस हॉस्पिटल के साई मुमरा हॉस्पिटल में अपना हक जताकर यहाँ पर आकर ये कर सकते हैं। जो अभी पेशेंट के लिए बहुत हाल हो रहा है बेसिकली कि कोविड सब जगह पे टेस्ट मांगते हैं तभी एडमिशन होता है, पर अपने यहाँ जैसे अभी कोविड टेस्ट अगर नहीं किया तो भी पेशेंट को हम लेते हैं और उसको ट्रीटमेंट देते हैं प्रॉपरली। उसमें फिर ट्रीटमेंट जो होता है उसमें जो एडवाइस किया था जैसे कोविड टेस्ट करना, जो पेशेंट सस्पेक्टेड है तो उनको जैसे कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव था उनको कोविड रेफर सेंटर कर सकते हैं प्रॉपरली। वैसे हम यहाँ पे डे केयर बेसिस जो ट्रीटमेंट दे रहे थे अभी तक, जब तक हॉस्पिटल हमारा चालू नहीं था, तो अभी आज से अगर उन्होंने हमको ग्रीन सिग्नल दिया है तो इस तरह से हम आगे बहुत सारा रेफर लगाएंगे और पेशेंट जो है आ रहे हैं मुमरा के बहुत सारे जो हो रहे हैं, जो नॉन कोविड पेशेंट है उसका काफ़ी डेथ हो रहा है, हर जगह पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, हर जगह पे एडमिशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको एक हेल्प हो जाएंगी जहाँ से बहुत सारे पेशेंट को कि उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल सके। ये अपना 25 बेड हॉस्पिटल है, चार्जेस उसका मिनिमल चार्ज रहेगा। कोविड जो पेशेंट रहेंगे उसको पॉजिटिव अगर आते हैं तो उनको रेफर टू कोविड सेंटर ही करना बेहतर रहेगा, नहीं तो जैसे बाकी जो नॉन कोविड पेशेंट हैं तो उनको इन्फेक्शन जल्दी सकता है और उसके वजह से फिर फैमिली को इन्फेक्शन, तो उसमें बहुत सारा हार्मफुल हो सकता है मुमरा वासियों को। तो इसके वजह से जो कोविड पेशेंट है प्रॉपर जो उनको पॉजिटिव आता है उनको तुरंत ही जैसे रिपोर्ट आता है, हमको रिपोर्ट जैसे मिलता है जैसे व्हाट्सएप में मिलेगा या SMS के थ्रू मिलेगा, तो उनको हम तुरंत रेफर कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे क्या कोविड-19 का भी जांच होगा? यस, कोविड-19 का भी जांच करेंगे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जैसे हमको लगता है कि जैसे निमोनिया पेशेंट है तो उनको कोविड टेस्ट हम ऐसे एडवाइस करते थे डे केयर बेसिस भी, और अभी भी आगे भी वैसे ही करेंगे। और जैसे पेशेंट एडमिशन है जैसे लगता है कि निमोनिया है पेशेंट या कुछ सिम्टम है उनका काफ़ी वेक हो रहे हैं तो उनको कोविड सेंटर या कोविड टेस्ट के लिए ही भेजेंगे उनको प्रॉपरली। तो कितना मिनिमम कितना चार्जेस लगेगा अगर कोविड-19 का टेस्ट कराया जाएगा? जो नॉर्मल चार्ज लेता है वही है, लैब का चार्ज जो रहता है 4,500 कुछ लेते हैं, का जगह 5,000 लेते हैं, तो वही चार्ज मिनिमल जैसे गवर्नमेंट ऑथोराइज जो ICMR गाइडलाइंस की वजह से जो लैब टेस्टिंग होता है वही वहाँ पे टेस्ट प्रॉपरली होगा।
मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ साईं मुमरा हॉस्पिटल को। ये डॉक्टर सुशील सखारे साहब जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और आज जो है ये हॉस्पिटल पूरा रनिंग में होने जा रहा है, जो हॉस्पिटल बंद था। इस चीज़ के लिए मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे दादा और वो पूरी टीम ने जो मेहनत करके इस हॉस्पिटल को चालू किया। आज शहर के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है आइसोलेशन की, जो दूसरे पेशेंट हो रहे हैं वो हॉस्पिटल वाले कोविड का टेस्ट मांगते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट लेके आइए, उसके बाद ही हॉस्पिटल में लेंगे। लेकिन ये डॉक्टर साहब, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी, और सबसे बड़ी बात है कि ये चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, इनको सबसे ज़्यादा पता है कि ये इस टाइप के जो पेशेंट हैं कैसे। तो यहाँ वो तमाम परेशान हाल जो पेशेंट मुमरा कौसा में घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि जितनी इनसे हो सकेगा ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि 6 बेड जो है आईसीयू के हैं, और इनके पास 20 बेड, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये कल से इंशाल्लाह रनिंग में आ जाएगा, और जो बहुत सारी परेशानी है इसमें जो है बहुत हद तक जो है इस इलाके के लोगों को और मुमरा कौसा में जो परेशानी थी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मुमरा वासियों को यहाँ वहाँ भागदौड़ करने की अब ज़रूरत नहीं होगी कि उन्हें यहाँ से छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल भेजा जाए या सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनकी तकलीफें दूर हो चुकी है। यहीं पे आप देख सकते हैं एक जनरल वार्ड भी है, कोई भी किसी भी तरीके का पेशेंट हो यहाँ पे उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा। तो आपने देखा, हमने आपको पूरे हॉस्पिटल का पूरा मुआयना कराए, जायज़ा दिए, कि हमने आपको जनरल वार्ड भी दिखाए और आईसीयू सेंटर भी दिखाए कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में दिया जाएगा। जो कोरोना सस्पेक्ट है उनका ही इलाज यहाँ पे किया जाएगा। अगर इस ऐसे हालत में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है तो उन्हें दूसरे अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। तो मुमरा साई हॉस्पिटल से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।